प्रणाम करती हूँ सभी दर्शकों को, नए वर्ष की बधाई देती हूँ। और इसी बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा है, इसको हम आप सभी तक सुनाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से तेजस्वी यादव लगातार बिहार को बदलने के लिए तरह तरह के नए कमेटी की गठन कर बिहार को प्रगतिशील बनाने में जुटे हैं। नए साल को देखते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार के लोग बिहार के पर्यटक स्थल से अधिक संख्या में जाएं और जो सुंदरता और जो प्राकृतिक ने बिहार को दिया है उसको देखने का प्रयास करें और समझने का इच्छा व्यक्त करें। कि जानिया क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। सभी बिहार वासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। आप जैसे जान रहे हैं कि पर्यटन विभाग ने इस बार जो है काफी कुछ किया है पर्यटकों को लुभाने के, और नए वर्ष पर आप खुल करके कई ऐसे स्थल हैं जहां आप जा सकते हैं, जैसे कि वाल्मीकि नगर हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, आप देखिएगा बांका में रोपवे हो गया, ओल्डी डैम हो गया, राजगीर, नालंदा ऐसे स्थल हैं, बोध गया ऐसे स्थल हैं जहां आप अपने परिवार के साथ जो है नव वर्ष जो है मना सकते हैं। और हम तो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस जगहों पर जाएं, नए साल का लुत्फ उठाएं, और जो भी परिजन जिनके दूर हैं बिहार के बाहर हैं उनको भी जो है बुलाएं, बिहार न्योता दें। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की कोशिश रहेगी कि आप लोगों को वहाँ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं हम दे सकें, ताकि बिहार में ऐसी जगहें हैं जो अनआइडेंटिफाइड हैं, वहाँ भी हम लोगों का प्रयास है कि इन जगहों पर हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए एक टूरिस्ट स्पॉट को डेवलप किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रहने की सुविधाएँ हों, साफ सफाई हो, जो भी ज़रूरत होनी होती है टूरिज्म को लेकर के, वो सारी चीज़ें जो है हमारी महागठबंधन की नई सरकार जो है वो पूरी कराएगी। और कई ऐसे जैसे ग्लास ब्रिज है जो काफ़ी जो है टूरिस्टों को अट्रैक्ट करता है, बोधगया में भी, और कई स्तूप हैं हमारे, वहाँ भी आप लोग जा सकते हैं। कई जगह अशोका पिलर्स है, वैशाली है जो लोकतंत्र की पहली जननी है, और नालंदा विश्वविद्यालय है, ऐसी जगहों पे काफ़ी आप लोगों को मौका मिले। और आप सब लोग जान रहे हैं बोधगया जो है मोक्ष और ज्ञान की धरती रही है, वहाँ काफ़ी बड़े तादाद में श्रद्धालु भी जो है पिंडदान करने आते हैं। तो वो सारी जगहें हैं जहाँ आप लोग आ करके नए साल का लुत्फ़ उठा सकते हैं।